पर लगे कृषि एक्सपो में 280 कंपनियों द्वारा सोलर और बायो एनर्जी की स्टॉल लगाए गए, जिसमें किसानों ने 2000 से अधिक मशीनरियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। खास बात है कि इस एक्सपो में किसानों के बीच सबसे अधिक ईंधन से ऊर्जा के दूसरे वैकल्पिक साधनों पर जानना मुख्य रहा। मेले में हरियाणा, पंजाब व आसपास के प्रदेशों से आए किसानों व आम लोगों ने कृषि प्रदर्शनी में शिरकत की। यहां ट्रैक्टरों की नई सीरीज शुरू करके ट्रैक्टरों को रिप्रेजेंट किया गया, जो जितनी तेज आगे चलते हैं उतनी ही स्पीड से पीछे दौड़ते हैं। आज ईंधन के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, तो इसका बोझ किसान की लागत से भी जुड़ रहा है। ऐसे में किसान वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दे रहा है। वर्तमान की मार झेल रहा किसान अब सोलर और बायो एनर्जी से चलने वाले प्रोडक्ट को तरजीह दे रहा है। वहीं इन दिनों किसानों के खेतों से सोलर पंप के पैनल चोरी होने के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। इसके लिए बाजार में कंपनियों ने सोलर ट्रॉली निकाली, जिसे खेतों में खड़ा करके सोलर पंप चला सकते हैं। काम खत्म होने के बाद आप घर भी ले जा सकते हैं। ऐसे में चोरी का रिस्क भी समाप्त हो जाएगा। यह मशीन 3 से लेकर 7.5 किलोवाट तक की बिजली बना सकती है। 2.79 लाख रुपए की लागत इसको बनाने में आती है। इससे किसानों को दो फायदे हो सकते हैं। एक तो वह अलग अलग ट्यूबलों पर जा सकते हैं, दूसरा बिजली के बिल व तेल खर्च से बचा जा सकता है। इस कृषि एक्सपो में सोलर से जुड़ी 7 से 10 कंपनियां, सरकारी सेक्टर से 5 विभाग, खाद व 20 से 35 कंपनियां, ट्रैक्टर की 30 कंपनियां, डेयरी व पशुओं से 5, फूड इंडस्ट्री से 25 कंपनियों ने शिरकत की। We'll be right back.